हाय एवरीवन, बेसिक ऑफ मेजरमेंट सीरीज लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एरर एंड इट्स टाइप। सबसे पहले एरर इज डिफाइंड एज द डिविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू, और एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर: ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर भी 3 प्रकार के होते हैं: इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशन एरर। एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर भी 3 प्रकार के होते हैं: शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड लोडिंग इफेक्ट। अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है? एरर अक्कर ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व इन मेजरमेंट। आई अगेन रिपीट, दिस इज एरर ड्यू टू द ह्यूमन फैक्टर। ये इंसान से किया गया, जो इंसान की गलतियों से किया गया एरर। जैसे ड्यू टू ओवरसाइट वन कैन रीड द टेम्परेचर एज 31.5 डिग्री व्हाइल द एक्चुअल रीडिंग इज 21.5 डिग्री। एक्चुअल रीडिंग क्या थी? 21.5 डिग्री, लेकिन गलती से उसने क्या रीड कर लिया? 31.5 डिग्री। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर फिर से रिपीट करता हूं क्या होता है? एरर अकर ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्विंग मेजरमेंट। आगे हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर आर मेनली रिजल्टिंग ड्यू टू द शॉर्ट कमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मीन इंस्ट्रूमेंट में ही कोई कमी थी, तो उसकी वजह से उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटीरियल, एंड जो हमने मटेरियल यूज किया हुआ है एंड यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट, सच एज डिफेक्टिव, कोई डिफेक्टिव पार्ट हमने इंस्ट्रूमेंट में यूज किया हुआ है, या एजिंग इफेक्ट या एनवायरमेंटल इफेक्ट। ए कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म डिविएशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर: फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड एनवायरमेंटल एरर, तीसरा ऑब्जर्वेशन एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर की अगर हम बात करें, देयर आर 3 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर: फर्स्ट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मीन इंस्ट्रूमेंट में ही कोई कमी है, दीज एरर ड्यू टू सम डिफेक्टिव अलाइनमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दूसरा मिसयूज ऑफ एरर, इसमें ए गुड इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन अबनॉर्मल वे गिव्स मिसलीडिंग रिजल्ट। जैसे हमने लेड यूज की ऑफ हाई रेजिस्टेंस, हमने पुअर इनिशियल एडजस्टमेंट की एक्स्ट्रा, आर एग्जाम्पल ऑफ मिस यूज ऑफ गुड इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंटल एरर में अब हम आगे पढ़ेंगे लोडिंग इफेक्ट। तो लोडिंग इफेक्ट एरर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इम्प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हम एक बैटरी लेंगे, वोल्टेज सोर्स सप्लाई, इसे हम एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। बैटरी की वैल्यू है वी नॉट, रजिस्टर की वैल्यू है आर, और सेम बैटरी लेंगे और सेम रजिस्टर की वैल्यू के साथ कनेक्ट करेंगे। एक और सर्किट लेंगे हम, तो इन दोनों सर्किट्स में क्या फ्लो करेगी? करंट। करंट की वैल्यू कितनी होगी? आई। तो जब इस रजिस्टर में से करंट फ्लो करेगी तो हमें इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या मिलेगा? वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो हम उस वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे? मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इसमें हम क्या यूज करेंगे? वोल्ट मीटर। सपोज हमने एक वोल्ट मीटर लिया B1 इन सर्किट फर्स्ट एंड वोल्ट मीटर B2 इन सर्किट सेकेंड। तो इस वोल्ट मीटर का एक फाइनाइट हाई इनपुट इंपीडेंस होगा B1 का। इसका मतलब जो B1 में से करंट फ्लो करेगी थ्रू द वोल्ट मीटर वो होगी IB1, और जो B2 का भी एक फाइनाइट हाई इनपुट इंपीडेंस होगा, और जो B2 में से करंट फ्लो करेगी वो किसके बराबर होगी? IB2, और जो रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगी सर्किट वन वो होगी IR, और जो रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगी सर्किट सेकंड वो होगी IR। और अगर हम ये मान के चले कि जो वोल्ट मीटर फर्स्ट है इसका इनपुट इंपीडेंस जो है वो Z1 वो ज्यादा है as compared to the input impedance of the voltmeter Z2,
तो देखो आप जानते हैं कि आइडल वोल्ट मीटर कौन सा वोल्ट मीटर होता है जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज दे। आइडल वोल्ट मीटर वो वोल्ट मीटर होता है जिसका इनफाइनाइट हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। तो दोनों में से अगर हम कंपेयर करें तो जिस वोल्ट मीटर का इनपुट इम्पीडेंस हाई होगा वो वोल्ट मीटर हमें एग्जैक्ट वोल्टेज की वैल्यू देगा एज कंपेयर टू द जिसका इनपुट इम्पीडेंस कम होगा। इसका मतलब दोनों में से एग्जैक्ट कौन सा वोल्ट मीटर हमें वोल्टेज की वैल्यू देगा, वोल्ट मीटर V1। इसीलिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो हमें क्या फेस करना पड़ेगा, लोडिंग इफेक्ट एरर। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ आया होगा। सिस्टमेटिक एरर में अब हम आगे पढ़ेंगे एरर ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर, मीन एनवायरमेंटल कंडीशंस, जैसे टेम्परेचर, जैसे प्रेशर का चेंज होना, इनकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और उसकी वजह से जो एरर आता है, ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, एरर ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट सिस्टमैटिक एरर में अब हम आगे पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल एरर। ये एरर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द ऑब्जर्वर की गलती की वजह से होता है। इसकी एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल, जो आप बार बार प्रैक्टिकल क्लासरूम में ये गलतियां करते हो, जैसे पैरालैक्स एरर बाय रीडिंग मीटर। अगर आप देखो डायग्राम में आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि करेक्ट रीडिंग कितनी है, 250 वोल्ट। तो आप देख रहे हो, अगर तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा उसको देख रहे हैं तो हमें 250 की 250 दिखाई देगी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट होके उसे देखते हैं, बहुत बार आप प्रैक्टिकल क्लासरूम में ये मिस्टेक्स करते हो तो आपको ये रीडिंग एग्जैक्ट नहीं दिखाई देती। ऐसे एरर को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। आगे हम पढ़ेंगे रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है, एरर अकर ड्यू टू मल्टीपल अनएक्सप्लेन्ड कॉज, सिंस हमें इसका पता ही नहीं चलता कि ये आ क्यों रहा है। सिंस दिस एरर रिमेन इवन आफ्टर द सिस्टमैटिक एरर हैव बीन टेकन केयर ऑफ। सिस्टमैटिक एरर हम ठीक कर भी लेंगे लेकिन रैंडम एरर का हमें पता ही नहीं चलता कि इसका रीजन क्या है इसके बिहाइंड, तो वी कॉल दिस एरर एज रैंडम एरर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिटिंग एरर और गारंटी एरर। लिमिटिंग एरर और गारंटी एरर हमें कौन देता है, कंपनी देती है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट कंपनी से परचेस करते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा होता है इसमें इतना परसेंट एरर हो सकता है। ऐसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि कंसीडर ए वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब स्पेसिफाइड वैल्यू कितनी है प्रोडक्ट की, 4.7 किलो ओम्स विद ए टॉलरेंस ऑफ +-5%। देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज गारंटीड बाय विद इन द लिमिट, किसके बराबर होगी, एक्चुअल वैल्यू किसके बराबर होगी, R = 4.7 किलो ओम्स, +-5% ऑफ 4.7 किलो ओम्स। तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो किसके बराबर होगा, 4.7 +-0.235। ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये रिजल्ट जब हमने 5% ऑफ 4.7 को सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आया। आगे इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। ये स्पेसिफाइड वैल्यू कौन देता है, हमें कंपनी देती है, +-लिमिटिंग एरर, ये भी हमें कंपनी देती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। इट इज द रेशियो ऑफ द एरर टू द स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। इट इज द रेशियो ऑफ द एरर टू द स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, जो हमें कंपनी देती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।